कराची में आइडियाज़ नुमाइश के लिए मकान पर तैयार करता बुलेट प्रूफ गाड़ी पेश कर दी गई। खुदकार हथियारों से फायरिंग की बौछार करके गाड़ी के बुलेट प्रूफ मयार का भी जायजा लिया गया। कंपनी के CEO कहते हैं ये गाड़ी गैर मुल्की अफसरान और मुलाजमीन की ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है, जबकि बम प्रूफ कोस्टर भी तैयार की गई है। तफसीलात कामरान सोहेल की इस रिपोर्ट में। नाइन एम हो या G3 चली ना चली बराबर, ये खसूसियत है इस बुलेट प्रूफ डबल केबिन की, जिसे निजी कंपनी ने आइडियाज नुमाइश में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया है। कराची में बम प्रूफ गाड़ी बनाने वाली वाहिद निजी कंपनी के CEO खालिद यूसुफ कहते हैं सिक्योरिटी खदशात से निमटने के लिए बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियाँ तैयार की जा रही है, जिनको मार्केट में खूब पजीराई मिल रही है। नुमाइश के स्टॉल पर ये तवज्जो भरपूर हासिल करेगी। All our Pakistani nation, our forces, our sister brothers. नुमाइश में रखने से पहले खुदकार हथियारों से गोलियों की बुछाड़ करके डबल केबिन गाड़ी की बुलेट प्रूफ का मियार जांचा गया। कोई भी गोली गाड़ी का बाल बीका ना कर सकी। बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनाने वाली कंपनी के CEO खालिद यूसुफ ने बताया CPAC और खसूसी तौर पर गैर मुल्की अफसरान और मुलाजमीन की ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए बम प्रूफ कोस्टर भी बनाई गयी है, जिसमे बैक वक्त 20 अफराद को ले जाने की गुंजाइश है। इस मुनफरिद बम प्रूफ कोस्टर में जरूरत के तहत सीटों में भी इजाफा किया जा सकता है। निजी कंपनी के CEO का कहना है इनकी कंपनी दिफाई इदारों के साथ भी काम कर रही है, जबकि कारोबारी और सियासी शख्सियात के अलावा दीगर कई अफराद इनसे ऑर्डर पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनवा चुके हैं। कामरान सुहेल, नियो न्यूज़, कराची। कराची में